बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। सलाम अलैकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम। हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम मुनीरी आपके मुरीद बात कर रहे हैं हजरत जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जी प्रोग्राम में आपके हाथों को चूम लेते हैं हजरत जी और अपने आंखों से लगा लेते हैं हजरत जी, इतना दूरी है, प्रोग्राम में आप हाथ उठाकर बात करते हैं हजरत जी तो आंखों से लगा लेते हैं और चूम लेते हैं हजरत जी। हजरत जी मेरा सवाल ये है हजरत जी कि जैसे अल्लाह ताला को दिलेर और ये पसंद है हजरत जी, तो अगर किसी में बुजदिली है हजरत जी तो दिलेर बनने के लिए, सुजात बनने के लिए क्या मतलब करें हजरत जी, कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए कि उसमें दिलेरी और सुजातपन आ जाए हजरत जी। और हजरत जी दुआ के लिए दिल खुल जाए हजरत जी, जैसे आता है कि दुआ इबादत का मगज है तो दुआ मांगने का मन बहुत करता है हजरत जी, लेकिन जब दुआ करने जाते हैं तो उसमें वो कैफियत नहीं आता हजरत जी, तो दुआ के लिए दिल खुल जाए हजरत जी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हजरत जी, जजाकल्लाह खैर। बहुत खूब शुक्रिया, माशाल्लाह जबरदस्त सवाल, माशाल्लाह। जमशेद आलम मुनीरी आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपने जिस अंदाज से इजहार मोहब्बत किया है अल्लाह इसको भी शर्फ़ कबूल बख्शे और आपको खूब बरकत अता फरमाए। बाकी आपका पहला सवाल बहुत अच्छा है, दिलेर आदमी अल्लाह को पसंद है और दिलेरी ना हो, बुजदिली हो तो कैसे दिलेर बने, उसके लिए दुआ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल जुबनि वल कसल, ए अल्लाह मुझे बुजदिली से और सुस्ती से महफूज फरमा, तो पनाह मांगी है जुबन से और जो सुस्ती से, तो लिहाजा ये आप जो शुरू कर दें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल जुबनि वल कसल, ये रोज़ाना 41 मरतबा किसी एक नमाज के बाद पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ के अपने बरदम कर दिया करें, सीने पे फूंक दिया करें, इंशाल्लाह आप दलेर बन जाएंगे और ये 92 डेज़ की नियत से शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा पहुंचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह बरकत अता फरमाए। और दूसरा सवाल दुआ के लिए, दूसरा सवाल दुआ के लिए दिल खुल जाए तो उसके लिए बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि दुआ जो है वो तो सारी इबादतों का मगज़ है और दुआ का ज़ौक़ पैदा हो जाए तो सुभान अल्लाह, तो उसका तरीक़ा ये है कि आप जो है एहदिना सिरातल मुस्तकीम हर खाने पीने पे 11 मरतबा फूंक दिया करें और कभी कभी जब याद आए तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ के अपने सीने पे दम कर लिया करें, तो ये इसकी आप पाबंदी कर लें तो इंशाल्लाह ये 21 डेज़ आपने अमल करना है, आपको दुआ की जो है वो तौफीक हो जाएगी और दुआ का जो है इंशाल्लाह आपको नूर मिलने लगेगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।